नैनीताल के मल्लीताल के चाटन लॉज में बीते शनिवार एक दो मंजिला मकान भर भरा कर गिर गया। वो तो गनीमत रही कि भूस्खलन से पूर्व ही मकान खाली करा दिया गया था, अन्यथा जानमाल का बड़ा नुकसान हो सकता था। बता दें कि भवन स्वामी निश्चय कुमार सीएमओ कार्यालय नैनीताल में कार्यरत है और बीते वर्ष ही उन्होंने इस मकान में गृह प्रवेश किया था। बताया जा रहा है कि नैनीताल में बीडी पांडे परिसर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने में पिछले कई दिनों से जेसीबी की मदद ली जा रही थी। स्थानीय लोगों में डर था कि कहीं भारी भरकम मशीनों के अतिक्रमण हटाने के कारण ऊपर पहाड़ी क्षेत्र में भूस्खलन जैसा कोई बुरा प्रभाव न पड़ जाए। लोगों की यह बात सही साबित हुई और चाटन लॉज में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया। इस भूस्खलन से अब करीब दर्जन भर घर और खतरे की जद में आ गए हैं। भूस्खलन की वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। भूस्खलन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगी हैं। बता दें कि बीडी पांडे जिला अस्पताल की करीब 1.5 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, जिसे हाईकोर्ट के निर्देशानुसार प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।